हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही आसान सा बुनाई का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरह दिखाई देता है। इस पैटर्न को आप कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में कहीं भी डालिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये पैटर्न हमारा 7 फंदों में बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 7 फंदे हैं, फिर से 7 फंदे, फिर से 7 फंदे, फिर से 7 फंदे और लास्ट में 5 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न हमारा 4 लाइनों में बनता है, तो आगे हमने इन्हीं 4 लाइनों को बार बार रिपीट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल प्लस 5 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ नीडल पे मेरे 19 फंदे हैं। सबसे पहले आप 7 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 7 फंदे और लास्ट में 5 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 19 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है और सीधी तरफ से शुरू होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो सबसे पहले आज के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे हम 7 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। इस तरीके से हम जाली डालेंगे। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे। सबसे पहले 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो जाता है। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे, आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम जाली डालेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू हुआ है। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे पीछे की तरफ से, फिर 2 फंदों का एक करेंगे हम आगे की तरफ से और फिर से हम जाली डालेंगे। तो एच के फंदों को छोड़ के यही 7 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। इस तरीके से जाली डालेंगे। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे। सबसे पहले फंदों को सीधा कर लेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। अब दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे, आगे की तरफ से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम जाली डालेंगे। लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं, चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे। अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और चौथा फंदा हमारा जाली वाला है। यहाँ पे हमने 4 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे जो 2 फंदे हैं, इधर हम 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, दूसरे फंदों को पहले बुनेंगे और पहले वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। तो दूसरे फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे। अब हम पहले वाले फंदे में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे एक फंदा और उल्टा बुनेंगे एच के फंदे को छोड़ के। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू हुआ है। 4 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, फिर फंदों को ट्विस्ट किया है, दूसरे फंदे को पहले हमने उल्टा बुना है और जो पहले फंदा था उसको हमने बाद में उल्टा बुना है, बाद में एक फंदा हमने उल्टा बुना है। एच के फंदों को छोड़ के यही 7 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, दूसरे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे उल्टा, फिर पहले वाले फंदे को बाद में बुनेंगे उल्टा, बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। लास्ट में 4 फंदे हमारे बचे हैं, चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। सबसे पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले 2 फंदों का एक करेंगे, आगे की तरफ से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब बीच में हम 2 बार धागा लपेटेंगे, 1 2, यानी कि डबल जाली हो गई हमारी। और फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे, आगे वाले फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे।
यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो गया है। अब दो फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बुन के लिए। एच के फंदों को छोड़ के यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू हुआ है। तीन फंदे हमने सीधे बुने हैं, फिर दो फंदों का एक किया है आगे की तरफ से, फिर हमने डबल जाली डाली है यानी कि दो बार हमने धागा लपेटा है, फिर यहाँ पे हमने फंदों को सीधा करके दो फंदों का एक किया है बैक लूप से। एच के फंदों को छोड़ के यही सात फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे हम दो फंदों का एक करेंगे आगे की तरफ से, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे हम दो बार धागा लपेटेंगे, एक बार और दो बार। यहाँ पे हमारी दो जाली हो गई हैं। अब आगे के दो फंदों को हम एक करेंगे, उससे पहले आगे वाले फंदों को ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो गया है, फंदों को सीधा करना हमने नहीं भूलना है। फिर दो फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में हमारे चार फंदे बचे हैं, चारों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। पहले फंदों को पॉलीवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने डबल जाली बनाई थी तो यहाँ पे हम दो फंदे बनाएंगे। पहले वाले फंदे को हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे और दूसरी वाली जाली को हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है और जाली वाले फंदों को ध्यान से बुनिएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे जाली वाले फंदे आ गए हैं जो हमने दो बार धागा लपेटा था। जो पहले जाली वाला फंदा है उसको हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे, ये दूसरा जाली वाला फंदा है उसको हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पर डिज़ाइन की फोर्थ रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर डिज़ाइन की हमारी चार लाइनें बन गई हैं, इसके साथ ही डिज़ाइन भी बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं चार लाइनों को बार बार दोहराना है। देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप इन चार लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बनके कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। देखिएगा कितना आसान सा पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।